मालक बाणी के बोहित सर्ब सांझी वालता दे लखाए शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान बहुत ही सन्मान योग गुरुसवारी सात संगत जी, आप जी ने बड़ी एकाग्रता श्रद्धा और शिद्दत नाल श्री जपजी साहब की विचारधीन पौड़ी पाठ सरवण किया है। इस तो पहला दास तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के चरणों में अगलेरी विचार रखे। आओ सात संगत, असी पूरा समा सुरत बिरत गुरु चरणों में जोड़नी है और एकाग्रता का विशेष ध्यान रखना है। सैलफोन जिन्हां जिन्हां बंद करने चेता ना रहे होण वो हुण अपने सैलफोन मोबाइल फोन जां ते बंद कर लैन जां फिर साइलेंट ते लगा लैन, बड़ी मेहरबानी होवेगी। गुरमत विचारां दी शुरुआत तो पहला एक बार सारी संगत मन की एकाग्रता अते रसना की पवित्रता वास्ते बेनती प्रवान करदे होए उचारण करो अते आखो जी सतनाम सिरे जियो। मुंदा संतोख श्रम पत चोली। सन्मानयोग सात संगत, विचारधीन पौड़ी दी विचार समझन लई एक गल जरूर ध्यान विच रखनी कि हजूर गुरु नानक साहब महाराज ने जपजी दे अंदर तत्सार दी जिहड़ी गल आखी है वो पहला एक सवालिया फिकरा जिहड़ा तुहाडे मूँह चढ़िया है, केव सचियारा होई है केव कूड़ा टुटे पाल। सचियार किवें बणीए? सचियार मैंने जिहदे अंदर सच का प्रकाश हो सके, अकाल पुरख नूं अपने अंदर निवास कराउण लई पात्र बनना सचियार। वो किहड़ा तरीका है जिहदे नाल असीं सचियार हो सकने आ? और कूड़ दी पाल, कूड़ दी दीवार, कूड़ दी कंध, क्योंकि कूड़ दी कंध तां किया है कि वास्तव च कंध है ही नहीं। किते महाराज उहनूं कूड़ दी पाल कहिंदे ने, किते पां भीरी के पात पार दो, जिवें प्याज दे उत्ते इक पतला जिहा बिल्कुल पारदर्शक जिहा इक झिल्ली हुंदी है। इस तरह महाराज कहिंदे ने आत्मा ते परमात्मा दे विच इक उल है जिहड़ा ना मात्र है, जिहड़ा साडा अपना क्रिएट कीता होया है, असी बनाया है, वास्तव च कोई विथ कोई दीवार है ही नहीं। इसलिए उहनूं कूड़ दी दीवार कहा है। कूड़ दी दीवार डिग पवे, ढह पवे, हट जाए और असी सचियार हो जाइए, उहदा तरीका की है? तो महाराज ने जिहड़ी बख्शिश की हुक्म रजाई चलना, अदली अदल अदालत, एक कोर्ट रूम है, एक उस कोर्ट रूम के उपर स्टेज के उत्ते कुर्सी ते चढ़ के बैठा होया न्यायाधीश है और एक उहदे मूँह विचों निकले हुए बोल ने जिहड़े हुक्मी रूप विच ने। एक हुक्म है और एक हुक्मी है जिहदे माध्यम नाल हुक्म हो रहा है और अदालत उहदी जिहड़ी है वह सारी पृथ्वी है, जिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। जपजी दी विचार करदे आ एक गल जरूर चेता रखनी चाहीदी है कि सारी जपजी विच सेंट्रल आइडिया इको ही है और वह है हुक्म रजाई चलना। तुसी कहोगे जे सारी जपजी विच हुक्म रजाई चलना दी गल है तो फिर जोगियां दे धार्मिक चिन्हां दा इत्थे जिक्र क्यों आ गया? तो यह थोड़ी समझण वाली गल है।
महाराज कहिंदे ने भी परमात्मा की दृष्टि विच प्रवान होण लई योगियां दे चिन्ह सार्थक साबित नहीं हो सकते। सारे जपजी साहब विच केंद्री भाव इको है, किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल। सतसंगत सवाल यह पैदा होंदा है भी ज्ञानी जी, जे केंद्री भाव हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना लै, फिर इत्थे योगियां दे चिन्हां दी गल क्यों आ गई? तो यह समझण वाली गल है। महाराज गुरु नानक साहब बख्शिश कर रहे ने, अकाल पुरख की दृष्टि विच परवान चढ़न लई एक नुकाती प्रोग्राम है, और वह की है? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। कोई व्यक्ति योगियां दे चिन्ह धारण कर लै और वह समझे कि इन्हां चिन्हां नूं धारण करन नाल मैं प्रभु की दृष्टि विच परवान चढ़ सकना, तो हजूर गुरु नानक साहब का जिहड़ा फलसफा है, गुरु नानक साहब की जिहड़ी विचारधारा है, उहदे मुताबक कोई व्यक्ति योगियां वाले धार्मिक चिन्ह धारण करन नाल, महज धार्मिक चिन्ह धारण करन नाल, वह अकाल पुरख की दृष्टि विच परवान नहीं चढ़ सकता। उहनूं ये सबक सीखना पएगा कि परमात्मा की रजा विच जो हो रहा है, मैं कहना जो किछ करै सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए। हुण महाराज बख्शिश करते ने गुरु नानक साहब भी, ए जोगी तू कन्ना विच मुंद्रा धारण करना है। जोग मत ते कुछ विशेष चिन्ह ने, कन्ना विच मुंद्रा और गोदड़ी गल विच मोढ़े दे उत्ते एक झोली, उस झोली दे विच एक होर ठूठा मंगण वाला पात्र कह लो, पिंडे ते स्वाह हाथ विच डंडा और कुवारे रहना इत्यादि। हुण गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहिंदे ने भी कन्ना विच मुंद्रा पाण नाल जीवन सफल नहीं हो सकता। तू की कर भी कन्ना विच मुंद्रा पाण दी थां ते अज तो संतोख का धारनी बन जा। जदों तक तू संतोख का धारनी नहीं बनता, उदों तक तेरे अंदर सिमरन नहीं बनेगा, और सिमरन तो बिना रजा विच राजी रहन दा वल भी नहीं आवेगा। इंज समझ लो भई हजूर सिमरन की प्रेरणा कर रहे हैं, पर सिमरन सिर्फ मैकेनिकल रेपीटेशन नहीं। मान लिया भी इत्थे असीं 10-15 मिनट वाहगुरु गुरमंत्र का जाप किया, पर किसी के मन में वाहगुरु के प्रति उलामा है, और उलामे साढ़े की ने, सानू लगता है भी जो मैनू मिल रहा है वो मेरी पात्रता तो बहुत घट है, मेरी योग्यता तो बहुत थोड़ा है। मनुखी एक समस्या है, सानू अपनी छोटी जी नेकी बड़ी वड्डी और बड़ी वड्डी बदी बिल्कुल छोटी लगती है, दूजे दी बहुत छोटी बदी वड्डी लगती है, तो बड़ी वड्डी नेकी सानू छोटी लगती है, क्योंकि मैथ उत्थे साडा काम करदा है। तो आम तौर पर जदों मनुख परमात्मा नू उलांभा देंदा है, वैसे बंदे दी गल छड्डो, बंदे नू ते परमात्मा भी खुश नहीं कर सकता। ऐतकी बड़ी औड़ लगी, बड़ी औड़ लगी, और मैं लोगों नू वेख्या, रब्बा हुण ते मीह पा, और जिस वक्त मीह पैना शुरू होया मोले तार मीह पिया बेतहाशा, तो मैं कई भी कहिंदे सुनिया, और रब्बा हुण ते बस कर, इहदा कोई नड़ी डट्टा नहीं, ना पवे तां दुखी है, जे पवे तां दुखी है। ये तो कहिंदा भी घड़ी तो वेख के मैं दसा, इन्ने वज के इन्ने मिनट ते शुरू कर और इन्ने वज के इन्ने मिनट ते बरसात रोक दे, और यह संभव नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा सां भी रजा विच राजी रहना ही वास्तव विच परमात्मा की बंदगी है, परमात्मा का सिमरन। और जदों कोई व्यक्ति इस कदर अपना जीवन बना लैंदा ना, उहदे जीवन च संतोख आ जांदा है। संतोख क्यों जरूरी है? महाराज गुरु नानक साहब जोगी नूं कह रहे ने, कन्नां विचों मुंद्रा ला के भावें सुट दे, कोई रीएक्शन नहीं होवेगा, कोई तेरा अध्यात्मकवाद विच नुकसान नहीं होवेगा, पर शर्त एक है, इन्हां मुंद्रा नूं सुट्टण दे नाल नाल हिरदे विच संतोख नूं धारण कर। क्योंकि गुरु नानक साहब ने सानूं तीन सूत्री धर्मादेश दिता गुरु सारे, कोई अनमतिया पुछे भी मेरे कोल लंबा चौड़ा वक्त नहीं, मैनू टू द पॉइंट दसो,
भी सिखी दे सिद्धांत की ने, तुहाडी विचारधारा की है। तो गुरु नानक साहब ने तीन सूत्री धर्म देश दिता भी धर्म की किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। वंड के कौन छक सकता है? जिदे कोल संतोख है। वंडन लई ज्यादा नहीं चाहिए, वंडन लई संतोख चाहिए। संतोखी व्यक्ति थोड़े विचों भी वंड सकता है, पर त्रिशनालू बंदा बहुते विचों भी नहीं वंड सकता। पहले 10 अमीर व्यक्तियों का सन्मान होना सी, वंडन की गल चलती है। वंडन लई संतोख ज्यादा नहीं। जेड़े सब तो ज़्यादा अमीर ने उन्हां दी जेड़ी सूची बनती है उहदे विच जेड़े पहले 10 व्यक्ति ने उन्हां नूं सन्मानित करना सी। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं सी, उन्हां लई विशेष तौर पर एक बैंकुट हाल बुक किया गया, उत्थे उन्हां लई खाने का प्रबंध किया गया। और गुरमुखो वो जेड़े दुनिया के सब तो 10 अमीर व्यक्तियों नूं जदों सन्मानित किया तो वह बाहर निकले तो उन्हां की वेख्या वी जेड़े अजकल वह भांडे वरतदे ना, जिहड़े वरत के सुट दिते जांदे ने, डिस्पोजल जिहनूं तुसीं कहिंदे हो, वो नाल दी नाल डिस्पोजल बाहर सुटे जा रहे सन। और जेड़े अत्यंत गरीब सन ना, वो ना डिस्पोजल बर्तना नू उहदे चों जूठ खा रहे सन। और दुनिया के सब तो ज़्यादा 10 अमीर व्यक्ति उन्हां नू देखदे हुए अपनी मर्सडी कारां वल वध रहे सन। दुनिया के सब तो अमीर 10 व्यक्तियों नू दुनिया के सब तो ज़्यादा 10 गरीब व्यक्तियों के उत्ते तरस नहीं आया। उन्हां कोल धन की कमी नहीं, रिजक की कमी नहीं, कमी है तो कादी है, कह दिया करो कादी कमी है? संतोख की कमी है। संतोख वास्ते ज़्यादा नहीं चाहिए। जदों तुसी हिंदुस्तान की सरजमीन ते विचरदे विचरदे गुरद्वारा तिलवंडी साहब जाते हो, पंजाब तो बाहर है, उत्थों का इतिहास कहिंदा है भी इत्थे गुरु नानक साहब नाल जोगियां का संवाद होया। मैनू यह बड़ी प्रीतकार कथा लगती है। तो जोगियां ने महाराज नूं पुछया विचारधारा की है, महाराज ने कहा भी नाम जपो धर्म की किरत करो। तो कहन लगे जी नाम जपया जा सकता है, धर्म की किरत भी किसी हद तक संभव है, पर हर हाल वंड के नहीं छकया जा सकता। ज़्यादा हो वंडिया जा सकता है, थोड़ा होवे तो की वंडांगे, नहीं वंडिया जाता। महाराज कहन लगे नहीं, नीयत ठीक होवे तो थोड़े चों भी वंडिया जा सकता है। कहन लगे किवें? महाराज कहन लगे बस संतोख होना चाहिए। इन्होंने शरारत वजो महाराज के सामने एक तिलां दा दाणा रखिया। संकेत की सी भी बाबा तू इस तिलां दे दाणे नूं वंड के विखा। तो महाराज समझते सन हजूर ने अपने कीर्तनिए नूं अपने भाई नूं, भाई किनूं कहिंदे जिन्हों अजकल दी बोली तुसी ब्रदर कहिंदे, भाई साहब भरा जी, और भाई साहब दौरी डंडा लाया है, कुंडा डंडा भी कहिंदे ने कई इलाकों। महाराज ने तिलों का दाणा रखिया, छन्ना भर के पानी का पाया, डंडे नाल घोट के कहन लगे सिद्धो अपने अपने भांडे लियाओ, तुहानू दसीए जे नीयत ठीक होवे ना एक तिलों का दाणा भी वंड के छकिया जा सकता है। उहदा नाम पिया गुरद्वारा तिल वंडी साहब। वंडन लई ज़्यादा नहीं, वाहगुरु सारिआं नू ज़्यादा दे, पर वंडन लई ज़्यादा नहीं, वंडन लई संतोख चाहिए। और संतोख तो बिना जिस मनुख दे मन रूपी भांडे नू संतोख दा थला नहीं लगा उहदा मन रूपी भांडा नहीं भर सकता। महात्मा बुद्ध नू आनंद ने एक दिन पूछया सी भी महात्मा तुसी जानदे हो, क्योंकि इहनां दा परस्पर रिश्ता भी है, कमी कोई नहीं पदार्थां दी, मन क्यों नहीं रजदा? तो महात्मा बुद्ध ने हाथ नाल इशारा किया भी वक्त आने ते दसांगा। और कथा कहिंदी है तुरद्या तुरद्या एक ऐसे मुकाम ते पहुँचे, रस्ते विच एक खूह है, उहदे कंढे ते एक लज भी पई है ते बाल्टी भी पई। महात्मा कहन लगे पानी छक लईए? कहन लगे जी जरूर मैं कढ देना। कहन लगी नहीं तुसी नहीं कढना, पानी मैं कढांगा, और एक होर गल चुप चाप देखना है, सब कुछ बोलना नहीं, ये सत बचन। महात्मा ने बाल्टी घुट के बधी, खूह च लमकई, दो तीन गोते दे के जदों बाहर कढ़ी तो बाहर कढ़द्या कढ़द्या उपर आउंद्या आउंद्या बाल्टी खाली हो गई, क्योंकि बाल्टी नूं हेठा सुराख सन। फिर भेजी, फिर कढ़ी, फिर भेजी, फिर कढ़ी, बोलन लगा, हाथ नाल इशारा किया भी बोलना नहीं, पर एक घड़ी आई जदों आनंद दे सबर दा प्याला छल गया। कहन लगे महाराज की कर रहे हो? तो हसदे हसदे महात्मा बुद्ध कहन लगे तेरे सवाल का जवाब दे रहा,
तू कहना घरों बड़ा अमीर हाँ, पदार्थों की कमी नहीं, मन नहीं रजदा आनंद। जिस तरह इस बाल्टी के थले सुराख ने, इनू कई बार खूह मैं गोते दिते ने, खाली दी खाली है। जिस मन रूपी भांडे के थले संतोख के थले की थां तृष्णा दियां मोरियां होण ना, उस मन रूपी भांडे नू कोई नहीं भर सकता, क्योंकि बिना संतोख नहीं को राजे। सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, सहस खट है लक को उठता आवे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिख्या के करे, नै तृप्तावे खाप खाप मरे। फिर हजूर कहिंदे ने बिना संतोख नहीं को राज, बिना संतोख नहीं को राज, बिना संतोख बिना संतोख नहीं को राज, बिना संतोख नहीं को राज, बिना संतोख नहीं को राज, बिना संतोख नहीं को राज। फिर चेता करा दें, गुरु नानक साहब कहिंदे ने सिखा जो दी रजा विच हो रहा है हर वक्त शुकर शुकर करिया कर। गुरु अर्जन साहब दियां पंक्तियां चेता करके आख्या कर, उलाहनो मैं काहू ना दियो, मन मीठ तुहारो की हो। मैं कदी उलामा नहीं दिता, ना ही दियांगा। रजा विच राजी रहन दी जाच तो बिना प्रभु दी प्राप्ति नहीं। जोगियां दे चिन्ह धारण करन नाल गल नहीं बननी। मुंदा संतोख, मुंदरां दी थां अज तो संतोख दा धारनी बन। संतोख ते होर बेनतियां कीतियां जा सकदियां ने, पर कई एक पहलू ने जिन्हां नूं छोणा है, इसलिए वक्त सीमित है। महाराज कहिंदे ने बिन मुंदा संतोख, कन्न विच मुंदरां पाण दी थां संतोख दा धारनी बन। शर्म, इहनूं शर्म नहीं कहना। गुरबाणी विच हया वास्ते भी शर्म आया, जिवें शर्म धर्म दोए छप खलोए, उत्थे शर्म हया वास्ते आया। पर यह श्रम है, उद्यम, परिश्रम, मेहनत, और अजकल दी बोली च हार्ड वर्क। मुंदरा दी थां संतोख दा धारनी बन। श्रम पत झोली, जोगी कोल एक झोली हुंदी है, और उस झोली विच ध्यान नाल वेखो, मंगतियां दे कोल एक ठूठा भी हुंदा, इहनूं भिक्षु कहिंदे। भिक्षु जिहड़ा भिक्षा मंगदा, उहनां दी फिलासफी है। उन्हें कही भी मंगण क्यों तुरदे हो, वो कहिंदे ने इहदे नाल निम्रता आउंदी, ध्यान दिया जी। इसलिए जोगी बनता एक नुकता है भी, जदों तक कोई व्यक्ति दर दर जाके मंगता नहीं ना, वह जोगी नहीं बन सकता। जोग मत का सिद्धांत है, जदों तक किसी के अगे जाके इंज हाथ नहीं ना करता भी कुछ हाथ से रख, वह जोगी नहीं। गुरु नानक साहब कहिंदे ने जदों तक किसी के हाथ के उत्ते हाथ नहीं रखता, उन्ना चिर मेरा सिख नहीं गा। तेनू दसा नवां की किरत करके हथों कुछ छड़ना पएगा, परिश्रम करके कुछ देना पएगा। धर्म के नाम के उत्ते, समाज के उत्ते बोझ भरन वालियां नूं ते उन्हां ने एलानिया किया भी ज्ञान विहूणा गावे गीत। आ किताबी ज्ञान नहीं, तत् ज्ञान। मैं कौन हाँ, कित्थों आया वा, और की करन आया वा। कोई व्यक्ति विदेश जाए ना कमाई करने वास्ते, दिमागी तवाजन गवाच जाए, उन्हों को पूछे तेरा नाँ की है, कभी पता नहीं किहड़ी कंट्री तो आया, पता नहीं कित्थे रहिंदा है, पता नहीं। दुनियावी पद्धर ते मैडिकल साइंस के एंगल तो जे लईए तो उन्हों पागल गरदान देंदे ने, मैंटल गरदान दे, और उन्हों डिपोर्ट कर देंदे ने, ये पागल है। क्योंकि उन्हों पता नहीं मैं कौन हाँ, मेरा नाँ की है, मैं आया कित्थों हाँ नहीं पता, और करन की आया नहीं पता, कहिंदे ने मैंटल हो गया। और गुरमुखो जे सानू भुल जाए भाई मैं कौन हाँ, कोई पूछे कौन हाँ, मैं कहां जसविंदर सिंह, अखां वाला हस के कहो चलिया जसविंदर सिंह, ते तेरे इस मास दे लोथड़े दा नाँ तेरे मापिया ने रखिया है, तू ते जसविंदर सिंह को नहीं, तू ते आत्मा है। कित्थों आया है, दरगाह चो की करन आया है, मैनू चेता होवे आयो सुनन पढ़न को बाणी। आखो आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी।
गुरमुखो जिन्ना चिर संगत विच बैठे हुन्ने आ हलारा हुंदा है, दिल करदा जुड़िए, पर स्वाद तां है वी जदों संगत चों घर जाइए बचन उदों वी चेता रहन, उदों वी इहनां नूं अमल च लियावीए, फिर जीवन विच क्रांति आवेगी, फिर असीं यू टर्न मारांगे। आए सां बाणी पढ़न लई, बाणी सुनन लई, कीता की हजूर कहिंदे ने नाम विसार लगे अन लालच, नाम विसार लगे अन लालच, नाम अन कहिंदे ने होर, लालच बाणी पढ़न दा करदे चंगा सी, लालच सिमरन करन दा करदे चंगा सी, पर अन लालच होर होर लालच कर ले। आयो सुनन पढ़न को बाणी, की कीता नाम विसार लगे अन लालच, रिजल्ट की निकलिया, हजूर कहन लगे बिरथा जन्म प्राणी, 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 जेड़ी मोढ़े ते झोली रखना है ना, झोली ओदे विच मंगण वाला ठूठा रखना है, इन्हां नूं दोहां नूं वगा के किसी डस्टबीन विच किसी गारबेज वाले टोकरी दे विच सुट दे, इन्हां दी थां ते अज तो परिश्रम करना शुरू कर दे। गुरु नानक साहब का सिद्धांत है, हजूर कहिंदे ने जिहड़ा समाज ते बोझ है, महाराज कहिंदे ज्ञान विहूणा गावे गीत, भुखे मुल्लां करे मसीत, घर नूं मसीत की शकल दे देनी, वे जो कुछ आवे वह मेरा ही अपना होवे, जां कोई भी धार्मिक स्थान की शकल दे देनी, खिमा करना मैनूं। कहन लगे करे मसीत मखटू होए कै कन पड़ाए, फकर करे होर जात गवाए। लो सुनियो हजूर कहिंदे गुरपीर सदाए मंगण जाए, गुरपीर सदाए मंगण जाए, मम्मा मांगण हार याना, देन हार दे रहा सुजाना, गुरपीर सदाए मंगण जाए, हुक्म किए ता कै मूल ना लगी है पाए, उका इहदा सत्कार ना करो, मैनूं माफ कर देना, बाणी कह रही है। फिर की करिए, हजूर कहन लगे काल खाए किछ हथों दे, धर्म की किरत करे और हथों दे मैंने वंड के छके, काल खाए किछ हथों दे, 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 नानक राह पछाणे से, नानक राह पछाणे से, नानक राह पछाणे से, नानक राह पछाणे से, अज तो लैके कन्ना चो मुंदरा ला के संतोख दा धारनी बन जा और दर दर मंगण दी थां ते परिश्रम करना शुरू कर दे, धर्म दी किरत करनी शुरू कर दे। हजूर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों अहमदाबाद गए, इहनू सैयदपुर भी कहिंदे, इहनू सैदपुर भी कहिंदे, आप जी नू याद होवेगा पहली प्रचारक फेरी पहली उदासी विच सब तो पहला गुरु नानक साहब का, पहला सुल्तानपुर लोधी तो लाहौर आए, लाहौर दुनी चंद नाल संवाद होया, उत्थों महाराज अपने बिरध माता पिता नू दसन गए भी मैं धर्म प्रचार लई जा रहा, उत्थों निकल के महाराज ने जिहड़ा पहला पड़ा किया वह सैदपुर सैयदपुर और अहमदाबाद इको नगर के तीन नाँ ने, जिमें कांशी वाराणसी तो बनारस, जिमें अमृतसर तो अंबरसर,
पहला पड़ाव महाराज ने सैदपुर किया और वह किया एक किरती दे घर जिन्हों असी सत्कार नाल भाई साहब भाई लालो जी कहने भाई लालो जी की बाणी तो गुरु ग्रंथ साहब च नहीं पर भाई लालो का ना गुरु ग्रंथ साहब विच जरूर आता है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे कई बार हुणे साखी तुसीं बड़ी बार सुनी इहदे चों एक नुकता जिधर ध्यान घट गया है। महाराज गुरु नानक साहब नूं मलक भागो अपने घर प्रसाद छकन लई कहिंदा है महाराज नहीं आउंदे फिर सादा है ओड़क महाराज का सामना आउंदा है। कथा लंबेरी है मैं मुक्तसर अर्ज कर रहा वक्त के तकाजे नूं मुख रखदे आ। मलक भागो एक गल कहिंदा कहिंदा नानक जी मेरे घरों प्रशादा छकन तो इनकार क्यों। महाराज मुस्कुरा पैंदे ने ते चुप रहिंदे ने क्योंकि उन्हां दा एक इह वी सिद्धांत है जिथे जाए बई है भला कहीए। महाराज मुस्कुरा पैंदे ने ते मलक भागो फिर फरेरदा क्योंकि यह एक जिहड़ा जालिम खान सी ना उत्थों दा अहलकार सी उहदा इह अगों सहायक सी और इहदा बहुत वड्डा दायरा सी लोकां दे विच इहने हद तक महसूस कीती कि मेरे घरों गुरु नानक साहब ने प्रशादा नहीं छकिया मेरी हद तक है। और ओड़क एक गल कहिंदा महाराज जां ते प्रशादा छको। महाराज कहन लगे जां कहन लगे जां फिर मेरे प्रशादे दा दोष दसो। हुण इत्थे असी की कीता असी कैलेंडर बना दिता सामने लोग बैठे ने खड़े ने गुरु नानक साहब ने दोवें कर कमल चुके ने और वह कुछ घुट रहे ने एक हाथ चों दुध की तार और एक हाथ चों खून की तार वग रही। मैं विदेश विच सां बहुत साल हो गए ने और कुछ गुरसिख कहन लगे भी महाराज ने इस तरह किया दुध की तो खून की तार मलक भागो दे माल पूड़िया चो खून तो भाई लालो दे कोदरे की रोटी चो दुध की तार वगदी दिखाई वो फंडामेंटल सन। करिए गोर विचार